हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, इन टुडेज वीडियो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज मेरा 12th का फेयरवेल है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड मैं आपके साथ पूरी चीज़ें शेयर करूँगी। स्किन प्रेप भी करना है मुझे एंड अपने बालों को भी स्ट्रेट करना है, बिकॉज साड़ी पहननी है आज। सो ओके, मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ, थोड़ा हिंट दे रही हूँ, मतलब मेरी कौन सी कलर की साड़ी है। सो मेरी साड़ी इस कलर की है, दिस इज लेवेंडर, मतलब पर्पल लेवेंडर होता है ना, वैसा लुक है। एंड मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं करा कि मैं आई मेकअप लुक कैसा करूँगी, कुछ भी डिसाइड कर, मतलब हेयर्स को मैंने सोचा स्ट्रेट करूंगी या कर्ल्स कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लूज कर्ल्स एंड ऑल। सो सबसे पहले मैं स्किन प्रेप कर लेती हूँ। सो चलिए स्किन प्रेप करते हैं पहले। सो भाई, स्किन प्रेप के लिए ना मैं यहाँ पे शीट मास्क यूज करूंगी। सो ये है गुड वाइब्स का लेवेंडर हाइड्रेटिंग शीट मास्क। सो मैं अच्छे से मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया, बिकॉज मैं अभी शावर लेकर आई हूँ। सो मैं शीट मास्क अप्लाई करूंगी सबसे पहले। एंड आई होप गाइस आप लोग को ना मेरे मेकअप लुक्स पसंद आ रहे होंगे, मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मैंने रिसेंटली अपने व्लॉग मतलब चालू कराया है। एक्चुअली मुझे ना एटलीस्ट 1.5 ईयर हो गया है यूट्यूब पे, बट मेहनत करने से कोई हार नहीं होती आई थिंक। सो मतलब ठीक है, आप लोग मेहनत करें तो हर चीज़ हो जाएगी। जैसे मुझे भी एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है एंड हर चीज़ करूँ आप तो आपकी हर चीज़ इच्छा पूरी होगी। सो अच्छा, मैं पहले शीट मास्क अप्लाई कर लूँगी एंड इससे ना मेरा थोड़ा फेस हाइड्रेट रहेगा एंड आपको एक इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। जैसे आपको कहीं जाना होना है, आपने कुछ भी नहीं करा स्किन प्रेप वगैरह, तो अपने फेस को क्लीन करें एंड देन यहाँ पे शीट मास्क अप्लाई कर लें। सो शीट मास्क आपको ना अराउंड 100 रुपीज़ मिल जाएगी, बट अगर आप डिस्काउंटेड में ले रहे हैं तो आपको इजीली 50 रुपीज़ मिल जाएगी। सो अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं आप लोग को जरूर बोलूँगी कि ऑनलाइन परचेज करें। सो ये भी मैंने पर्पल से ली थी। अच्छे से मैंने शीट मास्क अप्लाई कर लिया एंड आप देख सकते हैं। एंड मैं इसे ना 15-20 मिनट्स लीव कर दूंगी एंड देन पूरा स्किन हाइड्रेट हो जाएगी मेरी। एंड जो भी इसका जो सीरम होता है ना गाइस, उसे आपने हैंड्स पे अप्लाई कर लें, नेक पे अप्लाई कर लें एंड इसमें भी थोड़ा सीरम है। सो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को 20 मिनट बाद। सो गाइस, मेरे शीट मास्क को ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसको रिमूव करूँगी एंड जो भी सीरम होगा ना, इसे अच्छे से मसाज करूँगी, जिससे कि मेरी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलग ही ग्लो आ जाता है फेस पे। एंड जब भी आप ना मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही स्किन केयर कर ले तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड आपका मेकअप ना लॉन्ग लास्ट रहेगा। सो अच्छे से मैंने ये अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड मसाज कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बिकॉज जब भी कोई सीरम या शीट मास्क अप्लाई करें उसके बाद आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए मॉइस्चराइजर। सो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके इसे, बिकॉज विंटर सीजन चला है तो आपकी ना फ्लेकी स्किन हो जाती है, बिकॉज मेरी फ्लेकी स्किन है। सो यहाँ से मेरी बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन हो जाती है, अजीब सी लगती है स्किन। सो आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। सो ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड अच्छे से आप इसे मसाज करना है इस पर एंड लिप्स को भी हाइड्रेट रखें गाइस, बिकॉज विंटर सीजन चल रहा है एंड बॉडी लोशन लगाएं, बिकॉज आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा रफ सी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। सब देख सकते हैं मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब मैं ना मुझे ना नेक्स्ट स्टेप करना है स्ट्रेटनिंग गाइस। मैं सोची हूँ कि थोड़े कर्ल्स करूँ, बिकॉज नॉर्मल लूज कर्ल्स होते हैं। सबसे पहले अपने बाल को थोड़ा स्ट्रेट करूँगी, नीचे से कर्ल्स करूँगी। सो ऊपर से स्ट्रेट एंड नीचे से कर्ल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो देखती हूँ जो आउटफिट पर जाएगा वो कर लूँगी मैं। एंड आई मेकअप लिए मैंने थोड़ा सटल सा मेकअप सोचा है, सटल सा करूँगी, मतलब ज़्यादा हैवी लुक नहीं करूँगी। एंड लिपस्टिक भी मैं बहुत ज़्यादा कम मतलब न्यू टाइप में जाऊँगी ज़्यादा, बिकॉज न्यू लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है। सो चलिए मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ। ओके सो गाइस, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मैंने रेडी हो गई हूँ एंड मैंने साड़ी भी वेयर कर ली है एंड इयर रिंग्स ये है एंड मिनिमल सा मेकअप करा है, ज़्यादा नहीं करा है। मैंने लेंसेज डाले हैं, ये ब्राउन लेंसेज हैं एंड मैं पहले आपको फुल आउटफिट दिखा दूँ कि मैंने क्या वेयर किया है। सो गाइस, ये मेरा आउटफिट है पूरा एंड ये आप मेरी साड़ी देख सकते हो। मे भी थोड़ा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है इसका कलर, बट ये थोड़ा डल कलर नहीं है, थोड़ा इंग्लिश कलर है, वाइन कलर सा, ज़्यादा अच्छा कलर है बट आप लोग को मे भी कैप्चर नहीं कर रहा होगा कैमरा। ओके सो ये साड़ी है एंड इयर रिंग्स देख ही सकते हैं आप लोग। एंड मैंने यहाँ पे हील्स ना, मैंने ये वाली डाली है हील्स, मतलब बहुत मिनिमम सी हील डाली, ज़्यादा हील नहीं डाली, ब्लॉक हील्स डाली है, बिकॉज डांस वांस करेंगे तो कम ही हील डालो सही रहेगा। एंड सो आई होप मैं अच्छी लग रही हूँगी आप लोगों को गाइस।
गाइस मैं अपने वेन्यू पे आ गई हूँ. मैं आ गई हूँ नटराज सरोवर एंड मेरी फ्रेंड्स भी आ गई हैं कुछ. सो चलिए मिलते हैं इन लोगों से. ये लोग अपना फैशनबाजी कर रही हैं. Yo babes. Hello. हमारी मुस्कान आ गई है. मुस्कान लिपस्टिक ठीक हो रही है. हैक्स ट्राई करा जा रहा है. Yeah.
दीन है डार्क सीन लाइट सी एक जल्दी बोल दे तेरे मेरे यो ना बता दे तेरा आज है प्लान क्या
लगवानी है, तू फायर भी लगवानी है, तो तू आके फिर भी हमारे साथ मान। गाइज फाइनली होम, घर पे आ गई मैं। एंड मेरा ना एक इयरिंग ना खो गया था, बट होपफुली मिल गया। मतलब हाँ, एक तो प्यारा सुंदर था इयरिंग। एंड अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो एंड अच्छा लगा हो, पिक्स अच्छी लगी हो सारी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। एंड आप लोग को ऐसी व्लॉग मेरे चैनल पर मिलेंगे हर टाइम। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड ऐसी प्यार बरसाएं। लव यू गाइज़।